everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and keeping yourself healthy like me. As you all know, my baby Shanaya's 4th birthday is coming. और उसको गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ ये किड्स के गुलाब जामुन. मैं हमेशा ना 200 ग्राम वाला पैकेट लेती थी, बट इस बार मैंने ना 100 गुलाब जामुन का पैकेट लिया हुआ है, जिसमें वैसे इसको बनाना बहुत ही इजी होता है. और इसमें पीछे यहाँ बैक साइड में पूरी रेसिपी दी हुई है, अगर आप उसको फॉलो करके बनाएंगे तो आपके गेट्स के गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे. तो भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और वो अच्छे नहीं बनते हैं. मैं आज आपको प्रॉपर पूरी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि आपके गुलाब जामुन कैसे परफेक्ट बन सकते हैं. तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और फिर आप ये भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं घर में ही. और इसके स्मॉल पैकेट्स भी अवेलेबल है, मीन्स 200 ग्राम्स के और 100 ग्राम्स के भी पैकेट्स अवेलेबल है. तो यदि अभी तक आपने गिट्स के गुलाब जामुन घर में ट्राई नहीं किए हैं तो आप 100 ग्राम और 200 ग्राम्स वाला पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है. और शनाया को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो उसके बर्थडे में ये बनाना तो बनता ही है. तो आज है 13th जून, और जैसे आप सभी को पता है कि बर्थडे की प्रिपरेशन चल रही है, तो ये गुलाब जामुन बनाना भी उसी का एक पार्ट है. तो चलिए गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं. तो ये देखिए, मैंने लिया है 100 गुलाब जामुन का पैकेट और इसमें पीछे इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसके लिए आपको लेना है 1500 ग्राम्स शुगर. तो आप टेंशन मत लीजिए कि मेजर कैसे करेंगे. आप अपने घर के जो भी कंटेनर है उनका साइज यदि आपको पता है तो आप उससे मेजर कर सकते हैं. तो ये जो मेरा कंटेनर है वो है 1500 ग्राम कैपेसिटी का, तो मैं इसमें ले रही हूँ 1500 ग्राम ऑफ शुगर. और ये देखिए, अच्छे से इसको मेजर कर लेना है, 1500 ग्राम होनी चाहिए. और फिर एक बड़ी सी कढ़ाई ली है मैंने और उसमें ये शुगर ट्रांसफर कर दी है. और इसमें लेना है आपको 1600 ml वाटर. तो इसी कंटेनर के यूज करके मैं 1600 ml वाटर भी ले रही हूँ. और तो ये मैंने वाटर मिक्स कर दिया है 1600 ml. और अब हम करेंगे गैस ऑन. और चाशनी बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जब तक शुगर कम्प्लीटली वाटर में डिजॉल्व नहीं हो जाती है, आपको कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहना है. अदरवाइज क्या होगा ना कि शुगर स्टिक हो जाएगी पैन से और जो चाशनी का टेस्ट है वो खराब हो सकता है. और अब आप देख सकते हैं कि शुगर ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो चुकी है. और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 teaspoon ऑफ कार्डेमम पाउडर, मीन्स इलायची का पाउडर. और आपके पास यदि पाउडर अवेलेबल नहीं है इलायची का, तो आप ना इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हैं. तो ये देखिए, मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो उसके पार्टिकल्स ऊपर ना तैर रहे हैं, तो मैं उसको क्या कर रही हूँ ना, स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगी. और ये देखिए, मुझे ना गुलाब जामुन में गुलाब जल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो ये मेरे पास वाइट रोज एसेंस है, तो मैं इसके यहाँ पे 5 से 6 ड्रॉप ऐड कर रही हूँ इतनी चाशनी में. और ये चाशनी बन के रेडी है, इसको बॉयल वगैरह नहीं करना है. 5 मिनट्स आपको छोड़ देना है और उसके बाद गैस ऑफ कर देनी है. और अब मैं निकाल ले रही हूँ जो पाउडर दिया हुआ है प्रीमिक्स का वो. तो ये मैं आपके मेजरमेंट के लिए बता रही हूँ कि ये 500 ग्राम का पैकेट है, तो मैंने क्या किया है ना, उसको 2 सेम साइज की कटोरी में ट्रांसफर कर लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं. तो मैं कभी भी आप गुलाब जामुन बना रहे हैं ना और इतना सारा क्वांटिटी लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि एक साथ पूरा ही ऐड मत कर दीजिए. और जब आप एक साथ पूरा पाउडर मिक्स कर लेंगे ना ये दूध में, तो क्या होगा ना, वो ड्राई अप हो जाएगा थोड़ी देर बाद और गुलाब जामुन क्रैक होने लगेंगे. तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मिल्क और मैं देखिए स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ. तो ध्यान रखिए, हाथ से बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये ना मिक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा स्टिकी होने लगता है और पूरे हैंड्स में बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाता है. तो आप कुछ कोई भी स्पून से इसे मिक्स कर सकते हैं. तो जो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया था ना, उसमें से मैंने यूज़ किया है 3/4 कप ऑफ मिल्क. तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करिएगा यूज़, और जो बच रहा है उसको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करिएगा. तो इतने में मुझे 3/4 कप मिल्क यूज़ हुआ है. और ये देखिए, ये रेडी है मिक्स होके, और थोड़ा स्टिकी ही बना के रखिएगा क्योंकि ये थोड़े देर बाद ना ड्राई अप हो जाएगा बहुत ज़्यादा. तो ये देखिए, 10 मिनट्स मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था. और ये देखिए, अब ये प्रॉपर
बन चुका है, थोड़ा ड्राई भी हो गया है, तो अभी हाथ में लगा लेना है तेल। और ध्यान रखना है कि कभी भी आप गुलाब जामुन बना रहे हैं ना, रिफाइंड ऑयल यूज़ करिएगा, अदरवाइज घी का यूज़ करेंगे तो ठंड में वो जम जाते हैं और घी घी का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। और कभी भी कोई और फ्लेवर ऑयल का यूज़ नहीं करना, जैसे मूँगफली वगैरह का तेल बिल्कुल यूज़ नहीं करिएगा, वरना बहुत गंदा टेस्ट आएगा गुलाब जामुन में। तो ये देखिए, अच्छे से छोटे छोटे बॉल्स आपको बनाना है, बिल्कुल भी बड़े बॉल्स मत बनाइएगा, क्योंकि जैसे ही ये शुगर सिरप में जाएंगे इनका साइज डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, बहुत छोटे छोटे टाइनी बॉल्स अच्छे से आपको सर्कुलर बनाने हैं शेप में, और इनको अब हम करेंगे मीडियम फ्लेम पे फ्राई। तो जब भी आप फ्राई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एक साथ सारे गुलाब जामुन तलने के लिए मत डालिएगा, हमेशा 10-10 गुलाब जामुन बनाइए, उनको फ्राई करिए और फिर उनको शुगर सिरप में डिप करिए। ऐसे यदि आप बना रहे हैं ना तो गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, और आपको काउंटिंग भी याद रहेगी कि आपने 10 बनाए थे फिर 10 बनाए थे। तो ये परफेक्ट वे है बनाने का। तो इसे मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए फ्राई करिए, अदरवाइज नीचे से ये ना डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे और ऊपर से कहीं कहीं पैचेस दिखने लगेंगे लाइट ऑरेंजिश कलर के। तो फिर ना वो जैसे चाशनी में जाएंगे तो और उनका कलर लाइट हो जाएगा और वो अच्छे नहीं दिखते। तो देखिए कितने डार्क कलर के, इनको आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और तुरंत ही जैसे आप ऑयल से निकाल रहे हैं ना, उसके बाद इसको आपको ऐड कर देना है चाशनी में, और एक बार मिक्स करके छोड़ देना है, बार बार इनको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हमेशा गुलाब जामुन फ्राई करें, अदरवाइज ना ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रहते हैं और ऊपर से कलर आ जाता है। तो जो मैंने बाउल में फर्स्ट पार्ट लिया था ना प्रीमिक्स का, तो उस फर्स्ट बैच से 58 गुलाब जामुन बनके रेडी हुए हैं। और जब ये 30 मिनट डिप हो चुके थे सिरप में, तो मैंने इन्हें अलग से कंटेनर में शिफ्ट कर दिया और फिर से सेकेंड बैच बनाई, तो टोटल 108 गुलाब जामुन बनके रेडी हुए हैं 100 गुलाब जामुन के पैक से। तो है ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखिए, अभी हाफ एन आवर बस सोक हुए हैं, और अंदर से जब मैं इसे कट करूंगी तो देखिएगा कि पूरा जो चाशनी है, सिरप है शुगर का, वो अंदर तक जा चुका है। और अभी तो ये और भी ज़्यादा जब डिप रहेंगे ना, तो इनका साइज और एनहांस होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।